गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा आज जो अपना जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन फॉर जॉब। जॉब का मतलब होता है कोई नौकरी पेशा कार्य करने के लिए जैसे अपन कोई एप्लीकेशन देते हैं, वो जैसे कि कोई टीचर के लिए जॉब अप्लाई करता है, कोई कंपनी वगैरह है उसमें वर्कर के लिए अप्लाई करता है, कोई किसी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में भी क्या करता है वो अप्लाई करता है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये एक प्रार्थना पत्र के रूप में लिखा जाता है, लेकिन जो मेन जो चीज़ है ना, मेन जो चीज़ वो इसमें जो सीवी होता है, क्यूरिकुलम वैल्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो क्यूरिकुलम वैल्यू है या जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में अपन रिज्यूम भी बोल सकते हैं, वो हमारा कैसा है, कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर ये क्या करता है, हमारा डिपेंड करता है भाई, ठीक है। तो आज अपन शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है एप्लीकेशन फॉर जॉब, उसका मैं एक फॉर्मेट लिखा देता हूँ आपको पहले, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर जॉब, जैसे कि आपने 10th क्लास में 9th क्लास में अपने पढ़ा था कि अपन जो 3rd क्लास 4th क्लास में जैसे अपन बेटा एप्लीकेशन लिखते हैं उस प्रकार से एप्लीकेशन नहीं लिखी जाती है। 3rd क्लास 4th क्लास में तो क्या करते थे, सीधा टू द हेडमास्टर स्कूल का नाम लिख करके सराय पूछे थे भी करते थे नीचे और सुपरिटली, बट वो पैटर्न यहाँ पर चेंज हो गए हैं। यहाँ पर भी दो एड्रेस आएंगे, यहाँ पर भी दो एड्रेस आएंगे, एक तो जिस स्थान पर अपन रह रहे हैं वो एड्रेस आएगा, एक जिस स्थान के लिए लिख रहे हैं वो एड्रेस आएगा, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा एड्रेस 18 मधुबन नगर, ठीक है, स्टेशन रोड कोटा। देखो ये जो है ना, इसको आप अपनी 3 लाइन में भी लिख सकते हो, मैंने काफी बार बता दिया है कि ये जो एड्रेस है अपना 3 लाइन में भी आ जाता है, कैसे, 18 मधुबन नगर स्टेशन रोड और फिर जो कोटा है ना आप इसको नीचे लिख सकते थे, तो दो लाइन में या 3 लाइन में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो ये लिखा गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद अपन जो हमारी डेट है वो लिखते हैं, ये बेटा जो एप्लीकेशन फॉर जॉब है उसका मैं फॉर्मेट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो फॉर्मेट में तो अपन पूरा लिखेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, तो मैं फॉर्मेट करवा रहा हूँ। तो ये तो हमारा एड्रेस हो गया, जिस स्थान पर आप रह रहे हैं उसका एड्रेस हो गया, ये यहाँ पर तारीख आ जाएगी। अच्छा अब जो दूसरा जो एड्रेस है वो आएगा यहाँ पर, ये हमारा जिस स्थान को लिख रहे हैं या जिस व्यक्ति को लिख रहे हैं उसका एड्रेस होगा भाई, ठीक है। जैसे ये हो गया द प्रिंसिपल टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, यहाँ पर ये स्थान का नाम और ये स्थान का नाम भाई अलग हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। अपने जॉब के लिए कर रहे तो जॉब जरूरी कोई अपने को होम डिस्ट्रिक्ट में ही मिले, नेटिव प्लेस में ही मिले, नहीं, अपने को जॉब कहीं पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर जॉब नहीं मिले तो अपन बाहर भी जा सकते हैं, तो यहाँ पर ये स्थान का नाम ही चेंज हो सकता है अगर चेंज करना चाहो तो, ठीक है।
इसके नीचे फिर आप लोग एक जो लाइन है वो छोड़ देंगे भाई, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आप लिखना चाहते हैं वो क्या आएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फिर आएगा सर, अगर प्रिंसिपल कोई मैडम है तो मैडम के बारे में आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इज विद द रेफरेंस, यह उस संदर्भ के साथ है या उस संदर्भ के बारे में है, टू योर एडवर्टाइजमेंट जो तुमने विज्ञापन दिया था। यानी कि पहले ये स्कूल वाले क्या किया था, उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया था कि भाई हमारे यहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो किसी ने पढ़ ली, तो उसके रेफरेंस में तो ये दे रहा है। तो दिस इज विद द रेफरेंस, यह संदर्भ के साथ है, टू योर एडवर्टाइजमेंट, तुम्हारा जो विज्ञापन है, और वो किस में प्रकाशित हुआ था, इन द राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुआ। देखो यह जो तुम्हारा जो विज्ञापन है उसके संदर्भ में है, जो राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था, वो तारीख होगी और किसके लिए हुआ था, फॉर द पोस्ट ऑफ। अब अपने को फॉर्मेट में तो इतना ही लिखना है, फॉर द पोस्ट ऑफ। इसके आगे क्या करना है अपने को, जो जिस चीज के बारे में पोस्ट है, जिस भी चीज़ के बारे में पोस्ट है, उस पोस्ट के बारे में अपने को यहाँ पर लिखना है। और इसके जो आगे का जो सेंटेंस है बेटा, आगे की जो लाइन है वो खाली छोड़ देनी है, आगे की जो लाइन है ना वो क्या करनी है, खाली छोड़ देनी है। यहाँ पर पोस्ट का जिक्र कर करके और इसके आगे की जो लाइन है वो बिल्कुल क्या छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। अब ध्यान रखना यहाँ पर लाइन नहीं छोड़नी है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब अपन इसके आगे लिखेंगे, इसके आगे तो कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, ये जो फुल स्टॉप आगा इसके आगे कुछ नहीं लिखेंगे। अब अपने को जो कुछ लिखना है वो यहाँ से लिखना है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर लाइन नहीं छोड़नी है, ठीक है ना, यहाँ पर बीच में लाइन नहीं छोड़नी। अब वो जिसके बारे में पोस्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट है, तो उस पोस्ट के बारे में जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, वो सारा का सारा यहाँ पर आप दो लाइन में, तीन लाइन में, चार लाइन में जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखें। जो भी आप दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन जो आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है ना, उस सब्जेक्ट के बारे में, उस पोस्ट के बारे में, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, दो लाइन या तीन लाइन में वो जो एप्लीकेशन फॉर जॉब है उसको क्या करना है, कंप्लीट करना, ठीक भाई। जैसा कि ये आपका जो सब्जेक्ट है या जो एप्लीकेशन फॉर जॉब के लिए अपना जो मैसेज है, मुख्य मैसेज है, वो कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद क्या करोगे, एक लाइन छोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, क्या छोड़ देंगे, एक लाइन, और लाइन के नीचे अपन लिखेंगे योर्स फेथफुली, ठीक है ना।
जैसे ही आप यहाँ पर एप्लीकेशन पूरा करते हो तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक है ना, और फिर नीचे लिख देंगे योर्स फेथफुली, और आप अपना नाम लिख देना। अब जो मेन जो बात है, मेन जो बात है वो आती है भाई अपनी, ठीक है ना। मेन बात क्या आती है कि जो भी कोई पोस्ट होती है उसके लिए बेटा एक क्यूरिकुलम वेन्यू या रिज्यूम जिसको बोलते हैं उसका जो जिक्र है वो करना है, क्यूरिकुलम वाइट या क्यूरिकुलम वेन्यू है उसका, ठीक है। तो ये तो होगा एक हमारा फॉर्मेट, ठीक है ना। क्यूरिकुलम वाइट, और इसको अपन शॉर्ट में CV या इसका जो दूसरा जो नाम है वो है रिज्यूम। ठीक भाई, ये दोनों नाम एक ही हैं। आप यहाँ पर से क्यूरिकुलम जो वाइट है वो भी लिख सकते हैं और रिज्यूम है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस वगैरह है, वो सारा का सारा लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखा जाता है, सबसे पहले तो जो अपना नेम है वो आएगा भाई, ठीक है ना, फिर एड्रेस आएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ आएगी, ठीक है ना। इसमें बेटा दो जो चीज़ है ना, जैसे नेम और जो एड्रेस है ना, वो तो आप पहले लिख सकते हैं, बाकी के कोई भी जो चीज़ है अपने जो पर्सनल डाटा शेयर कर रहे हैं उसमें आप फेर बदल कर सकते हैं। नेशनलिटी, मैट्रियल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति में आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक जो योग्यता है उसके बारे में जिक्र करना है, जॉब एक्सपीरियंस है यानी कि जॉब को आपको किस जॉब का अनुभव है पहले से या कितने साल का जॉब अनुभव है वो, और कॉन्टैक्ट नंबर। ये आपका जो रिज्यूम है उसमें ये जो नीचे अपन क्यूरिकुलम वाइट देते हैं उसमें लिखा जाएगा। अच्छा, इसमें जो नेम और जो एड्रेस है ये तो अपने स्थान पर फिक्स है, लेकिन बाकी के जो कोई भी शब्द हैं आप इसको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दो चीज़ है ना, ये तो बेटा हमेशा क्या लिखी जाएंगी, ऊपर ही लिखी जाएंगी। नेम और एड्रेस का ध्यान रखना, वो तो सबसे पहले लिखे, सबसे पहले नेम और उसके बाद एड्रेस, उसके बाद कोई भी जो इसमें टॉपिक है वो आप इसमें अपना लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्मेट था
एप्लीकेशन फॉर जॉब का वो हो चुका है पूरा। तो आप इसको एक काम करना, वीडियो देख करके आप इसको अपना जो नोट्स है उसमें उतार लेना, ठीक है ना। इसकी आज पीडीएफ फाइल नहीं आएगी, ध्यान रखना, इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो नहीं आएगी। तो अपना वीडियो में से ही ये जो इसका फॉर्मेट है वो आप इसको उतार लेना, ठीक है। अच्छा, हम जब भी विजिट के ऊपर जाते हैं बेटा, जब भी हम विजिट के ऊपर जाते हैं तो जिसका हम होमवर्क देखते हैं तो जो सब्जेक्ट टीचर होता है वो उससे संतुष्ट नहीं होता है, उससे संतुष्ट नहीं होता है। आप जहाँ जहाँ पर भी गए तो हमने देखा है कि जो क्लास में जो सबसे इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं, जो सिंसर होते हैं, वही होमवर्क को नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। वो पता नहीं इसको बर्डन समझ रहे हैं। तो ये एक मतलब ये मान लो कि अभियान गवर्नमेंट का है कि आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपने जो क्लासेज हैं, अपने जो बच्चे हैं, उनकी आप स्टडी करवा सकते हैं। तो अब इसको बोझ न समझे और अपना अच्छे से जो नोट्स हैं उसको आप तैयार करें। और राउंड पर आ रहे हैं, सभी के पास आ रहे हैं, ये मत सोचना कि हमारे पास गुरु जी नहीं आए तो मैं तो उस गांव का एक हूँ, उस गांव का जी एक ही बंदा तो उसके पास भी जरूर पहुँचा जाएगा। हाँ ये है, मैं थोड़ा लेट सेट जरूर हो जाए लेकिन उनके पास ज़रूर आ जाएगा। तो इसलिए अपना जो पढ़ाया गया है, जो भी टीचर के द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया गया है, उसको आप अच्छे से क्या कर लें, तैयार कर लें और उसको लर्न भी करना है लिख करके। और रखने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उसको सप्ताह में जैसे संडे की छुट्टी आती है तो आप उसको लर्न भी कर लो, उसको याद कर लो, एक बार रिपीट कर लो। कोई भी फिर भी कोई समस्या आती है तो सब्जेक्ट जो टीचर के कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसे संपर्क कर लो। तो मैं आशा करता हूँ कि शायद से अब जब भी हम विजिट के ऊपर दूसरा जो दौर है वो शुरू करेंगे तो उसमें हमें इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं जो कह रहा था, आज इसकी जो पीडीएफ है वो नहीं आएगी आपको, ये जो एप्लीकेशन फॉर जॉब का जो फॉर्मेट है ना, ये आपको वीडियो के माध्यम से ही बनाना है। इसकी आज पीडीएफ नहीं आएगी, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मेट है वो आपको वीडियो के माध्यम से ही बनाना है, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो समझ गए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।